अभी अभी की बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है, कोरोना पर क्या अपडेट है बिहार में, कोरोना पर क्या अपडेट है, क्या लाइव स्टेटस है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको सिलसिलेवार ढंग से आपको हम बताएंगे कि बिहार में कोरोना पर क्या अपडेट है, अभी तक कोरोना में कहां पर कितने मरीज हैं, इसके बारे में हम आपको जिला वाइज बता रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लखीसराय में ये एक केस है, भोजपुर में दो है, भागलपुर में पांच है, औरंगाबाद की बात करें तो दो है, गोपालगंज की बात करें तो 12 है, पटना में 33 है, और रोहतास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15 है। जैसा कि जानते हैं कि रोहतास में अभी तक 15 केस निकल के सामने आया है। वहीं नवादा की बात करें तो 3 है, बेगूसराय में 9 है, सारण में 3 है, अखल में 4 है, पूर्वी चंपारण में 5 है, जब बांका की बात करते हैं तो 2 है आपका, नालंदा की अगर बात करें तो 34 केस सामने निकल के सामने आ रही है। वहीं कैमूर से जो खबर निकल के सामने आ रही है 14 है, बक्सर में बुरा हालात है, वहां से 25 केस सामने निकल के सामने आ रही है, वैशाली की बात करें तो 2 केस सामने निकल के सामने आ रही है, मेघपुरा की बात करें तो 1 है, और जहानाबाद की जहां तक बात करें तो जहानाबाद में भी 1 केस है, और सिवान में 30 केस है, और गया में 6 है, और मुंगेर में 76 है। अगर सबसे बड़ी हालात अगर बुरा कहें तो मुंगेर का है और सिवान का है, इसके बाद आपको बात करूं कैमूर का है, बक्सर का है, यहां पर तादाद बहुत ज्यादा है। जैसा कि मुंगेर में हमने आपको बताया कि 78 केस है, उसके बाद जो केस निकल के सिवान में भी ज्यादा केस है, सिवान में आपको 30 केस निकल के सामने आ रही है, बक्सर में 25 है, रोहतास में अभी जैसा कि आप येलो जोन में देख सकते हैं 15 केस है। लेकिन आपको एसटीजी न्यूज चैनल आपको सलाह दे रहा है कि आप घर से बाहर ना निकले, अगर निकले तो मास्क पहन के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग के फॉलो करें, थूके ना, ये सब सारी चीजों को ध्यान रखें, कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर है यही था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने आपको लिस्ट बता दी, आप इस वीडियो पर आप लिस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं लिस्ट, तमाम लिस्ट की हमने बात किया, लखीसराय में 1 है, भोजपुर में 2 है, भागलपुर में आप देख सकते हैं 5 है, मुंगेर में आपको 78 निकल के सामने आ रहा है, गया में 6 है, सिवान में 30 है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। तो वक्त हो गया है विदा लेने का, देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। हाँ, एक चीज और, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसलिए कि लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा कि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।